चीन में फैले कोरोना वायरस से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। वायरस से हुई मौत के मामले के बाद से दुनिया के अन्य हिस्सों में एहतियात बरती जा रही है। वहीं उत्तराखंड राज्य में प्रदेश से जुड़े नेपाल बॉर्डर पर और प्रदेश के एयरपोर्ट पर चौकसी बरती जा रही है, जिसको लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड में आ गया है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि उत्तराखंड से लगते हुए जितने भी नेपाल और चाइना बॉर्डर से हैं, इसके साथ ही जो भी यात्री चाइना से यात्रा करके आ रही हैं, उस पर निगरानी भी रखी जाएगी और किसी भी व्यक्ति में कोरोना वायरस के सिम्टम्स पाए जाएंगे उसका इलाज कराया जाएगा। हमारी तरफ से जो भारत सरकार से अभी गाइडलाइन आ गई हैं, उसके अनुसार हमने अपने एयरपोर्ट्स में जो जॉली ग्रांट और पंतनगर एयरपोर्ट है वहाँ पर समन्वय स्थापित करते हुए ये निर्देशित किया है कि यदि चाइना से कोई पैसेंजर आ रहा है और तो उसकी स्क्रीनिंग कर ली जाए, और स्क्रीनिंग इस तरह से करी जाए कि जैसे जिसको कहते हैं जैसे फीवर कफ अगर इस तरह का कोई पेशेंट है तो उसको वहीं रोक लिया जाए और उसको पूरी तरह से एग्जामिन करके तब उसको अगर लगता है हमको कि बुखार है उसको तो उसको आइसोलेट कर दिया जाए और वहाँ की डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को भी बता दिया जाए। और वहाँ पर हमने एक समस्त जो जिला हैं जो नेपाल बॉर्डर से भी हैं और चाइना बॉर्डर से भी हैं वहाँ पर हमने पहले ही एक अलर्ट जारी कर दिया था और आज भी हम उस पर प्रक्रिया कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ पर हम एक टीम लगा देंगे जिसमें चिकित्सक की और टीम से पूरी जो नेपाल के बॉर्डर है जिसमें आना जाना लगा रहता है, जैसे पिथौरागढ़ का जौलजीबी हो गया, बनबसा का नेपाल बॉर्डर है, तो ये जितने भी इलाके हैं चमोली की तरफ बॉर्डर है हमारा, तो इसमें जो लोग आ रहे हैं तो उनकी स्क्रीनिंग हो जाएगी और उनसे पूछ लिया जाएगा कि क्या आप चाइना की यात्रा करके तो नहीं आए हैं, और यदि वो चाइना की यात्रा करके आए तो उनको हम अलग से कर लेंगे और उनके पते और मोबाइल्स ले लेंगे और उनको हम घर में भी ट्रेस करेंगे कि उनको किसी प्रकार के कोई सिम्टम्स तो नहीं इस तरह के आ रहे हैं, कफ फीवर और कोई और कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं पैदा हो रहे हैं। अगर इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं तो उनको हॉस्पिटल्स में लाके आइसोलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम जो है उसको जो है दिल्ली। कोरोना वायरस से चीन में अब तक कुल 56 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं भारत के कुछ राज्य जैसे बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र में कुछ लोगों में इस वायरस के संदिग्ध लक्षण पाए गए। हालांकि इनमें से कुछ लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। दून मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर सी पंत की माने तो इस वायरस से घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर पंत का कहना है कि ये स्वाइन फ्लू जैसा ही एक वायरस है और इससे सतर्क रहने की जरूरत है। जो लोग विदेशों में जा रहे हैं और देश वापस आ रहे हैं उनको अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करवाना चाहिए। कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं वो जस्ट लाइक फ्लू, स्वाइन फ्लू या फ्लू टाइप के सिम्टम्स होते हैं, और उसमें बाद में ऑर्गन सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन के रूप में और मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होने लगता है, जिसकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से डेथ हो रही है। ये चाइना के कुछ एरिया में स्पेसिफाइड है और जहाँ हम रोज मीडिया के माध्यम से और प्राप्त कर रहे हैं कि डेथ रेट बढ़ रहा है और वहाँ उनके शहरों को सील कर दिया गया। लेकिन जो लोग चाइना के में गए हैं या वहाँ के थ्रू आए हैं वापस वहाँ से लौट के, तो उन पे भी निगाह रखी जा रही है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के माध्यम से। और जो हमारा स्टेट है वो बहुत ही खुला स्टेट है, अगर चाइना के कोई से कहीं कोई गया है और नेपाल होते हुए हमारे स्टेट में आ रहा है तो उसके माध्यम से भी है कि हमारे पास एक आउटलेट ऐसा है जहाँ से ये केस हमारे वहाँ आ सकने की संभावना है। अभी कोई ऐसी चीज़ हमारे स्टेट में नहीं है, लेकिन हमारे वहाँ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और कुछ गाइडलाइन हम लोगों को दी जा रही है कि कोई भी अगर पेशेंट स्वाइन फ्लू या फ्लू लाइक सिंड्रोम के जिसमें ऐसे मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट के सिम्टम्स मिल रहे हैं तो उनको ऑब्जर्वेशन में रखना है और उसके बारे में तुरंत नोटिफाइबल डिसीज के रूप में हमको अपने उच्च अधिकारियों को इन्फॉर्म करना है। हम लोगों से ये कहते हैं अगर किसी को किसी के कोई कॉन्टैक्ट के कोई आया है किसी के माध्यम से तो वो तुरंत सरकारी अस्पताल में मिले और हम लोगों से मिले, तो ताकि हम उसमें जो भी प्रिकॉशन हम लोगों को बताई गई है रखने के लिए वो हम उसको रख सकें, और किसी को भी अगर इस तरह की कोई संभावना लगती है या कोई जानकारी मिलती है तो वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से या अधिकारियों से या हमारे अस्पताल में आकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं ताकि हम उसमें जो भी हमको प्रिकॉशन लेने हैं वो हम इसमें ले सकते हैं।
इस सिलसिले में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य सचिव नितेश झा को पत्र लिखकर सचेत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सतपाल महाराज ने बताया कि कोरोना वायरस सांप और मांस का सेवन करने से फैला है, लेकिन अगर कोई भी मरीज पाया जाता है तो उसका इलाज कराया जाएगा। चाइना के अंदर खतरनाक वायरस फैल रहा है जिसे कोरोना वायरस कहते हैं, और हमने भी यहाँ जो है सचिव को लिखा है, हेल्थ सचिव को लिखा है कि वो भी इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें, और कोई आदमी इस प्रकार का वायरस का पीड़ित आता है तो उसका तत्काल इलाज कराया जाए। चाइना के अंदर कई शहरों को सील अप कर दिया गया है और वहाँ लोगों का इधर से जाना आना प्रवेश बंद कर दिया है। ये सांप खाने से और मांसाहार करने से ये वायरस होता है, तो चाइना के अंदर काफ़ी फैल गया है, काफ़ी अलर्ट पूरी दुनिया में हो रहा है, तो हम भी उत्तराखंड के अंदर ये स्टेप्स ले रहे हैं, और निश्चित रूप में इस प्रकार का कोई अगर यहाँ मरीज होगा उसके इससे प्रभावित व्यक्ति पर। बता दें कि चीन में फैले कोरोना वायरस से निपटने के लिए उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को वायरस की रोकथाम के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी कर नेपाल सीमा से सटे चेक पोस्टों पर निगरानी के लिए डॉक्टर्स की टीमें तैनात करने के निर्देश दिए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।